हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं रानी शर्मा, सिंगल मदर, लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो देखो फ्रेंड्स, आज मैंने बहुत टाइम बाद खरीदी मैंने सब्जी, वरना मैं घर में दालों से ही या राजमा छोले जो स्कूल में मिले थे उसी से खरीद चला रही थी। तो आज मैंने बहुत टाइम खरीदी मैंने लिए भिंडी, क्योंकि सब्जी इतनी महंगी हो गई है, इतनी महंगी सब्जी हो गई है कि हर कोई खरीद के नहीं खा सकता है। टमाटर देखिए 80 रुपये किलो टमाटर हो गए हैं, तो मैंने आधा किलो टमाटर लिए हैं। और मुझे तोरी मिल गई थी, सस्ती तो नहीं मिली, महंगी थी। तो देखो कितनी मोटी मोटी तोरी दी है। और ये मैंने लिए हैं अरबी, मैंने अरबी लिए आधी किलो, मैंने अरबी लिए 1 किलो, मैंने तोरी लिए और 1 किलो मैंने भिंडी लिए। क्योंकि गाइस मेरे घर में सब्जी बहुत ज़्यादा लगती है, तो वैसे भी ये सब्जी ऐसी है कि घर के थोड़ी सी हो जाती है। भिंडी तो मेरी फिर भी थोड़ी लग जाती है, क्योंकि बच्चे कहते हैं बोलो ठीक है कृष्णा जा रहा है ट्यूशन, तो कह रहा मम्मी मैं जा रहा हूँ। तो गाइस मैं सोच रही थी कि भिंडी काफ़ी, मैंने यूट्यूब पर देखा था भिंडी दो प्याजा बनाया हुआ, तो बहुत अच्छा मतलब देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो सोच रही थी कि भिंडी दो प्याजा मैं भी बनाऊंगी। तो आप देखते हैं अभी मैं क्या बनाऊंगी। अभी तो सोनी रोटी बना के रखी गई है और ये सब्जी मैं अभी छील लेती हूँ और फिर मैं इसको बनाऊंगी। तो आप मेरे गाइस देखिए, मैंने सब्जी निकाल ली है, तो अभी मैं बनाऊंगी तोरी और भिंडी मैं रख दूंगी धो करके, और ये अभी भी मैं रख दूंगी उठा के। हाँ तो गाइस मैं सोच रही हूँ, पहले मैं ना ये बर्तन रखे हुए हैं, मैं बर्तन मांज लूँ, वो थोड़े से बर्तन पड़े हुए हैं, बर्तन मांज लूँ, फिर उसके बाद मैं सब्जी बनाती हूँ। थोड़ा गैस वगैरह क्लीन हो जाएगा ना, तो थोड़ा अच्छा लगेगा काम करने में भी। तो मैं पहले बर्तन मांज के गैस वगैरह क्लीन कर लेती हूँ और उसके बाद। और आप देख ही रहे हैं कि बाहर मकान वगैरह बन रहा है, तो उसकी आवाज़ें कितनी ज़्यादा आ रही है, और गणेश चतुर्दशी भी है, तो उसकी वजह से ढोलक वगैरह बज रहे हैं। तो गाइस आप इनको इग्नोर कीजिएगा, मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है, तो मैं इसी की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि बाहर की आवाज़ें मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही है वीडियो अपलोड करते समय। क्योंकि मैं जब भी वॉइस करने की कोशिश करती हूँ तो बाहर की आवाज़ें आती रहती है इसमें, क्योंकि हमारा मकान नहीं है, छोटी सी दिखी है हमारी, तो कभी आस पड़ोस में भी बाजे बाजे बजते ही रहते हैं। तो प्लीज़ इसे इग्नोर कीजिए, कर लीजिएगा, जब तक हम यहाँ से शिफ्ट नहीं हो जाते हैं तब तक प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, और कुछ हमारी अच्छी सहूलियत नहीं हो जाती है ये। तो अब मैं पहले काम कर लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं सब्जी बनाने लगूँगी। पहले मैं निपटा लेती हूँ अपने घर के सारे काम। गाइस देखिए, मैंने बर्तन मांज लिए हैं और अब मैं करने जा रही हूँ गैस की सफाई। तो मैं पहले गैस की सफाई कर लेती हूँ, तो पहले मैं हटा लेती हूँ सारे सामान, जगह कम है तो मैं इसको यहाँ रख दूँगी बेड के ऊपर। बेड नहीं है, मतलब बेड ही था, तो इसके दो सिराने थे, इसको मैं किसी बर्तन में उठा देती हूँ, इसको मैं इसमें रख लूँगी प्लेट में। इसमें छीलना भी जाएगा और काटना भी जाएगा, दोनों काम हो जाएंगे। तो गाइस मैं पहले गैस साफ कर लेती हूँ। देखिए मैंने सब्जी बनाना कर दिया कैंसिल, क्योंकि मैंने देखा नहीं था कि यहाँ चावल पड़े हुए हैं और इसमें रोटी है, और ये नीचे है ना आलू टमाटर की सब्जी रखी हुई है, जो मैं क्या कहते हैं अभी निकालूँ तो फैल जाएगी इसलिए। और ये मैंने गैस पूरी साफ़ कर ली है। और अब मैं ना, आप देखिए मैं है ना दूध कहाँ रखती हूँ, क्योंकि मेरे घर में बिल्ली आती है बहुत परेशान करती है, तो दूध मैं रखती हूँ इसके नीचे, बिल्ली है ना इसके नीचे परेशान नहीं करती। तो मैं पहले दूध रख देती हूँ। देखिए गाइस दूध मैं इसके नीचे रखती हूँ, तो इसके नीचे दूध ख़राब नहीं होता और बिल्ली भी परेशान नहीं करती, मेरा दूध यहाँ पे रखा रहता है का। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी सफाई कर लूँ। और रही बात सब्जी बनाने की, तो गाइस सब्जी मेरी ख़राब हो जाएगी, पक जाएगी, तो इससे अच्छा है कि मैं सब्जी अभी ना बनाऊँ, अभी मैं रहने देती हूँ, क्योंकि बच्चे कोई घर में होते नहीं है, तो मैं अकेली होती हूँ खाने के लिए, तो मैं कितनी सब्जी देख खाऊंगी। उसमें मैंने देखा सब्जी काफ़ी सारी रखी हुई है, तरी वाली सब्जी बनाई थी रात को, क्योंकि चावल बनते हैं तो तरी वाली ही सब्जी खाई जाती है, और ये ऑफिस जाते हैं बच्चे तो सूखी वाली खाई जाती है, तो वो तरी वाली सब्जी बच्चे भी अभी परी आएगी स्कूल से, वो खाएगी और मैं खाऊंगी, और कृष्णा स्कूल चला जाएगा, तो इसलिए कोई खाने वाला तो है नहीं। कृष्णा दो रोटी पैक कर लेता है, कभी जैम के साथ ले लेता है, कभी अचार के साथ। अगर सब्जी खत्म हो गई है तो मैं बीच में बना लूँगी, और नहीं खत्म हुई तो मैं इसी से चलाऊँगी। तो मैं अभी यहाँ का सारा काम निपटा लेती हूँ, थोड़ा गंदा लग रहा है। और ये बर्तन अभी पंखा चालू कर दूँगी, कि मैंने अभी पंखा बंद किया हुआ है, ये देखिए मैंने अभी पंखा बंद करवाया, तो बर्तन अभी पंखा चालू कर दूँगी तो ये सूख जाएंगे, फिर मैं सारे बर्तन लगा दूँगी सूख जाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं पहले निपटा लेती हूँ अपने सारे काम जो बचे हुए मेरे। गाइस देखना सब्जी ख़राब हो गई है और ये सब्जी खाई तो जाएगी नहीं, तो मैं इसे फेंक दे रही हूँ, बहुत गंदी बदबू आ रही है, इसको ख़राब हो गई है। मुझे लगा कि चल जाएगा, तब बनानी पड़ेगी तोरी, तोरी बना लेती हूँ, लेकर के आती हूँ काटने वाला चक्कू पड़ोसियों से, क्योंकि इसको छीलूँगी, बहुत मोटी तोरी है। गाइस मैं चिल्लड़ भाभी से मांग करके लाई हूँ, तो मैं यहाँ छीलने जा रही हूँ तोरी, तो मैं ये तोरी को छीन लेती हूँ। गाइस देखिए मैंने इतनी तोरी के छिलके निकले हैं, 1 किलो में से इतना छिलका निकला है, तो मैं छिलके को डस्टबिन में यहाँ फेंक देती हूँ। मैंने इसको डाल दिया है डस्टबिन में, और ये कुछ रोटियाँ बच गई हैं जो हमने गाय के लिए रखी हुई है, गाय को दे देंगे, बात नहीं करेंगे। और इधर मैंने थोड़ी काट ली, इसमें पानी डाल दूँगी, और यहाँ पर मैंने प्याज और मिर्ची काटी है, मैं सब्जी बना लेती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स बना लेते हैं सब्जी। गाइस गैस जला के पहले मैं कढ़ाई रख देती हूँ गर्म होने के लिए, ये मैंने कढ़ाई रख दी, कढ़ाई गर्म होगी, तब तक मैं ये जिनका चक्कू मांग के निकल देती हूँ, तो तक फिर देती हूँ साफ कर दिया, मैंने कढ़ाई रख दी गर्म होने के लिए, कढ़ाई रख दी।
हूँ, मैं इसको चक्कू सॉरी या तो मेरा ही है अपना, मुझे चाहिए होगा मैं देख आती हूँ। उससे पहले मैं डाल देती हूँ मैं पानी सब्जी के अंदर ताकि सब्जी धुल जाए। गाइस मैं चाहती तो उसको धोके भी काट सकती थी, वैसे कहते हैं सब्जी हमेशा धोके तब काटनी चाहिए, पर मैं धोके सब्जी काटती हूँ तो एकदम सूखी सूखी सी सब्जी बन जाती है। और मैंने इस तरीके से काट छील करके इसको मैंने पानी के अंदर डाला है तो इसमें थोड़ा सा इन सब्जियों के अंदर पानी चला जाता है, और जब मैं इसको सब्जी को बनाऊंगी ना तो सब्जी में काफ़ी पानी छोड़ देगा और बाद में एकदम लपट सी सब्जी बनेगी, बहुत टेस्टी लगती है खाने में। तो एक दूसरा बर्तन मैं इसमें रख देती हूँ, उसे मैं फैला देती हूँ क्योंकि मैंने अभी धोके सुखाया था, सर गीला हो गया, सब फैला देती हूँ। और ये जिसका है उसको मैं दे देती हूँ, तब मेरी कढ़ाई गर्म जाएगी। तो गाइस मैं चक्कू देकर के आ गई हूँ, मतलब आलू छीलने वाला मैं देकर के आ गई हूँ। हम इसमें डाल देती हूँ तेल। गाइस ये खिड़की खुली है जिसकी वजह से ना मैं मुझे कुछ जल्दी जल्दी सफाई करनी पड़ती है, बहुत जल्दी गंदा हो जाता है घर मेरा, बहुत ही जल्दी। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही सफाई करी थी और ये फिर से गंदा हो गया, अब तेल भी खत्म हो गया कि बचा हुआ सकता है सब्जी बन गया, कैसे हर देखिए मानने के लिए खत्म हो गया। अब एक दो दिन में सोने की शादी आएगी तो फिर मैं लेकर के आऊँगी प्रॉपर राशन। ये तेल मेरा ना गर्म हो रहा है क्योंकि इसके अंदर पानी डाला हुआ है तेल में, तो मतलब कढ़ाई में पानी का कढ़ाई देखिए सूखी नहीं थी, तो मैं इसमें तेल गर्म हो गया उसके अंदर मैं डाल दूँगी हिंग, क्योंकि हिंग से बगैर मैं कोई भी सब्जी नहीं बनाती हूँ, मेरे पेट में गैस बन जाती है तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, इसमें थोड़ी सी हिंग डालती हूँ। इसमें डाल दिया ये मिर्च काटी थी मैंने, मिर्च डाल दी और ये प्याज, इसी से इसको डाल दूँगी मैं। जब तक ये बन रही है मैं इधर काट लेती हूँ एक दो टमाटर, क्योंकि मेरे घर में ना बिना टमाटर के कोई सब्जी पसंद नहीं करते हैं, टमाटर ज़रूर डालना होता है, तो इसमें मैं टमाटर डालूँगी। तो वैसे भी सब्ज़ी में टमाटर डालने से थोड़ी सब्ज़ी अच्छी बन जाती है, स्वाद आ जाता है। पानी में धो लेती और मैं टमाटर काट लेती हूँ, जब तक मेरे इधर ये प्याज होते हैं मैं इसमें टमाटर काट के मैं रख लेती हूँ। गाइस मुझे ज़्यादा मतलब ना किसी चीज़ की वो नहीं है, ना ही मैंने कोई रेसिपी सीखी है, ना मेरा कोई मतलब मेरा कहने का मतलब है मेरे अंदर कोई भी ऐसा टैलेंट नहीं है जो मैं अच्छी तरीके से आपको यूट्यूब पर मैं दिखाऊँ। ये है कि वही बस मुझे घर का जो भी काम आता है मैंने बस यही सोच के स्टार्ट एक वीडियो स्टार्ट किया है। वीडियो स्टार्ट करने का मेरा ये रीज़न है क्योंकि मैं सारे दिन घर में ऐसे देखा बेकार रहती हूँ, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था मैं क्या करूँ, तो मैं सबकी वीडियो देखती थी, मुझे वो वीडियो बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए मैंने वीडियो बनाने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैं देखती थी वो सब लोग घर का ही काम करते थे, तो मैंने सोचा कि मैं भी अपना घर का काम करने लग जाऊँ, क्योंकि मेरा एक मुद्दा ये भी था, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैंने पहले मेरी टेंशन रहती थी कि मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूँ, बेटी की शादी कैसे करूँ, हमें सही टेंशन रहता था। और बड़ी बेटी के जितने पैसे आते थे वो सब घर में खर्चे जाते थे, तो मैंने देखा कि यूट्यूब पे सब लोग वीडियो बनाते हैं और उससे पेमेंट आती है, तो उससे मतलब उसका चल जाता है अच्छा खासा वो होता है, तो फिर मैंने उसके बाद में देखा ध्यान से कि वीडियो बहुत अच्छी अच्छी होती है, तो इसलिए अच्छी इनकम आती है उनकी, तो मेरी अब इतनी इनकम भले ही ना आए इससे, लेकिन इतना तो आ ही जाएगा कि मैं अपने पैसे जोड़ करके मैं अगर मेरी लड़की के पैसे से घर का खर्चा चला लेती हूँ, और अगर मेरे पैसों से अगर इनकम जोड़ करके अगर मेरी बेटी की शादी हो जाती है तो चल रही है, इसीलिए मैंने इसलिए सोच करके ये चैनल स्टार्ट किया, क्योंकि मैंने सोचा है कि मैं यूट्यूब के पैसे से ही मतलब अब तो खैर मेरा ये सपना बन गया है कि मैं करूँगी यूट्यूब के पैसों से अपनी लड़की की शादी। तो गाइस आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिएगा मेरे को बनने के लिए, तो मैं इसमें टमाटर डाल दिया है, बहुत जल्दी बन जाएगा, नमक कमी डालेंगे क्योंकि थोड़ी गलत थोड़ी सी हो जाती है, तो इतना हो जाएगा, और अगर कम पड़ेगा तो मैं डालने से डाल देंगे। अभी मैंने थोड़ा ही से डाला है, काफ़ी स्वाद में सा डालेगा, तो आपसे डालते हैं भाई कि मेरे भी क्लास लोग ज़्यादा मतलब पढ़े लिखे ज़्यादा होते नहीं हैं, तो मैं तो खैर बिल्कुल भी स्कूल नहीं गई, मैं एकदम अंगूठा छाप कर एक दिन के लिए भी स्कूल नहीं गई हूँ, बस बच्चों ने मैंने वैसे दूसरों का वीडियो देखा बनाना स्टार्ट करा, जैसे सीख गई हूँ वीडियो बनाना, और मैं सिर्फ वीडियो बना लेती हूँ और अपलोडिंग वगैरह जो भी कुछ करना होता है वो मेरी बेटी करती है, तो मुझे ना कभी कभी दिक्कत होती थी उसको करने के लिए, मतलब शुरू से मुझे थोड़ी दिक्कत होती थी बोलने में, अभी लगता
फिर मैंने बोलना स्टार्ट कर लगी तो सोनी बोली मम्मी आप बोलना स्टार्ट करोगे तो होने लग जाएगा। मैं सोनी कहती मम्मी वीडियो नहीं बनाऊंगी, लेकिन दरअसल वो बना नहीं पाती, ऑफिस से आते हुए इतनी थक जाती है फिर कोई काम कर नहीं पाती है, तो वो मुझे है ना सिखाती है कि जैसे हमें एडिटिंग करना होता है तो अब एडिट करते समय काइन मास्टर से सिखाती है कि मम्मी इतने नंबर पर ही आएगा, तो मैं उसी से गिन करके 1, 2, 3, 4, 5, 5वें नंबर पर एडिट होती है या जो भी चीज़ होती है, मतलब जो चीज़ करना होता है जैसे कट करना होता है कहाँ पर क्या क्या है, तो उस तरीके से मुझे मुझे सिखा दिया है। तो पहले तो मुझे बहुत दिक्कत हुई थी, मैं काइन नहीं पाती थी, फोन नहीं करती थी, मैं करती थी वही करती थी, और अब तो मैं करने लगी हूँ एडिटिंग करने लगी हूँ, तो काफ़ी कुछ मैंने सीख लिया है एडिटिंग करना। और अब मेरे बच्चे क्या करते हैं कुछ आने के बाद लॉन्ग वीडियो बनाते हैं, लॉन्ग वीडियो नहीं बना लेते हैं, शॉर्ट वीडियो आते हैं कम से मेरे बच्चे बना लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे मना करे कि मम्मी बन बना, तो मैं बोलती हूँ कि बेटा बना लो मेरे काम आ जाएगा, अभी नहीं तो सही क्या पता ये आगे मेरे ग्राहक के लिए काम आ जाए, क्योंकि कहते हैं बच्चों का साथ छोड़ के चले जाते हैं, तो क्या पता मेरे बच्चे पर तो मेरा साथ छोड़ के चले जाए, क्योंकि बहू बेटे किसी के नहीं होते, तो कहते हैं मेरा नेचर कैसा है तो बहू के आने के बाद ही पता चलेगा, लगता है खत्म हो गई भाई। फिर मैंने इसमें धनिया मिर्ची हल्दी डाल दिया, धनिया नहीं डाला, गर्म मसाला मिर्ची धनिया डाल दिया, धनिया को मरते हुए सीटी खाली रखी है, धनिया खत्म हो गया, अभी दो मेरे बाद मसाले पड़े थे मैंने वही मसाले डाले, गर्मी लगे बहुत ही वही मसाले डाल करके मैं इसे बना लेगी, तो ये देखो मसाले को मसाले बच्चे को धनिया करके तो बच्चे को तैयार करें, मैं आपको दिखाती हूँ देखिए कढ़ाई में कहीं से नहीं हो रही है, फिर मुझे इतनी ऊँची पड़ जाती है कि मुझे इसमें खुद ही नहीं दिखाई देता है, मुझे इसके लिए पटिया लेना पड़ेगा, अब मुझे इसमें ठीक से दिखेगा, पर मैं आपको शायद उसके लिए दिखाऊंगी, तो थोड़ा मैं इसको पीछे कर देती हूँ। देखिए परी भी हमारी आ चुकी है स्कूल से, आज इतना लेट हो गया है, अब मैं इसमें ये सब्जी डाल दूँगी, देखिए बहुत अच्छे मैंने आपसे बोला है हाँ बेटा मैंने तो ले ली, वो आलू टमाटर की सब्ज़ी ख़राब हो गई है, मैंने बर्तन सारे मांजे बेटा, ये बर्तन सुखा दे, तो अभी कितना भी आने वाला है मेरे को लगता है चावल भी पड़ी ख़राब हो गए हैं, धीरे धीरे नहीं है क्योंकि मेरा है ना कितना कुछ सामान ख़राब होता ही रहता है, और मैंने नीचे ना दूध भी रख दिया, पर यह बैठा जाए दूध निकाल कहीं अपना गर्मी से दूध पड़ जाए, एक काम कर ले दूध निकाल दो और एक साइड गैस पे ना दूध रख दो बनने के लिए, निकलवा मेरे साथ दूध निकलवा पहले दूध खड़ा नहीं तो चावल हटा, चावल खराब हो गए चावल खा डालिए, और वो सब्जी भी खराब पड़ी खराब हो गई वो भी खा डाल दो, तो मैंने ये बर्तन धोते हैं ये बर्तन तू धो लो, ठीक है ले लो कटोरी साफ है मिर्ची काटी थी मैं इसको खंगाल करके तू लगा सकती है, ये बेटा अरे दूध तब तक गर्म हो जाएगा, लेकिन उसकी वजह से गैस नीचे गर्म हो रही है ना, अरे मैं पकड़ रही हूँ ले एक साइड दूध रखेंगे गर्म लगेगा बाद में फिर घर गर्म होता रहता है, ये देखिए गाइस मैंने दूध निकाल लिया, अब दूध रख दिया गर्म होने के साथ ही पकते ना, क्योंकि 2-3 दिन से देख रहे हैं हमारा दूध फट जा रहा है, ऐसा तो दूध हमारा फटता नहीं है पर फट जा रहा है इसका, हाँ कपड़े बाहर सुखाया ही मैं, आज ही कितनी कब इनका मकान बनकर तैयार होगा देख लीजिए टाइम कट रहे हैं, तो भाई से मैंने मिक्स कर दिया है, थोड़ा सा लग गया था आपसे बातें करने लगी तो मैं भूल गई, अभी थोड़ा सा लग गया है इसमें, लेकिन जैसे ही देखो मैंने पानी डाला इसमें थोड़ा सा सही हो गया मतलब एकदम ठीक ठीक हो गया, अब मैं इसको ढक करके छोड़ दूँगी सिम गैस पे बनाऊंगी सब्जी को, क्योंकि सब्जी मुझे सिम गैस पे ही ज़्यादा अच्छी लगती है और बहुत अच्छी बनती है, अभी इसे पकने दूँगी और देखना है सब्जी कितनी अच्छी बनेगी, एकदम लटपट सी सब्जी बनकर हमारे यहाँ जिसमें करी और पानी थोड़ी कल होता है इसको वो कहते हैं लटपट सब्जी कहते हैं, तो देखना है एकदम लटपट सब्जी बनेगी, तो गाय तो मैं सब्जी बना लेती हूँ और थोड़ी देर में पंखा चला देती हूँ, तो मैं कर रही हूँ वीडियो ऑफ, गर्मी हो रही बहुत ज़्यादा तो मैं वीडियो ऑफ कर देती हूँ थोड़ी देर के लिए और हवा ले लेती हूँ, क्योंकि इधर का पंखा तो चला नहीं सकती मुझे उधर ही बैठना पड़ेगा, उधर का पंखा वैसे तो चलो चलता है लेकिन हवा मतलब हवा लग जाती है इसलिए वीडियो ऑफ करती हूँ। गाइस गाइस देखिए मैं सब्जी देख लेती हूँ बन गई कि नहीं बन गई, ये दूध बन चुका है, दूध में बनता गिर गया इस तरह जब मैं ढक्कन और इधर मैं देख लेती हूँ सब्जी बनी है कभी कच्ची देखिए गाइस कितना पानी छोड़ गया इसमें, देखिए ये देखिए परी आते ही चली गई है शौचालय, हमारे घर से बहुत दूर पड़ता है शौचालय तो शौचालय के लिए, और ये भी सब्जी बनी है कच्ची है तो मैं इसे ढक दे रही तैयार रखने के लिए, और मेरे को भूख भी लगने लगी बहुत तेज थी, सोचा था मैंने आलू टमाटर सब्जी खा लूँ पर वो खराब हो गई ये राखी है फिर तो यूँ कर रही है झाड़ू लगा रही अपने घर पर, कैसी लग रही भूख नहीं ना कमी गई ना कुछ, अभी थोड़ी देर में नहाती हूँ रोटी सब्जी बना सकती हूँ, रोटी तो बनेगी सब्जी बना सकती हूँ, रोटी भी लगता है कम पड़ेगी नहीं हमारे लिए बहुत है, पंखा चला लिया है मैंने, अब थोड़ी देर बैठी हूँ बहुत तेज़ हवा लग रही है
अभी आ गई है, हाथ धो रही है अपने शौचालय में। अरे पर एक मैंने बोला बर्तन लगा लेगी, तो गाइस पहले मैं थोड़ा पसीना सुखा लेती हूँ। गाइस मैं घर में थी नहीं, मैं बाहर ट्यूशन गई थी, परी की ट्यूशन बात करने के लिए मैडम ने बुलाया था। तो परी इतनी देर में अपना मतलब जो भी था सारा काम अच्छे से निपटा के चली गई है। और ये देखिए बन गई है तोरी की सब्जी, ये देखिए ग्रेवी वाली, मतलब ज़्यादा इसमें पानी नहीं सुखाया, थोड़ा इसमें पानी रहने दिया क्योंकि अच्छी लग रही सब्जी, और खाने के बाद पता चलेगा इसका टेस्ट कैसा है। तो गाइस मुझे लग रही है भूख, मैं जा रही हूँ खाने के लिए। टाइम देखिए 3 बज गए आज और बहुत टाइम निकल चुका है, तो मैं खाने जा रही हूँ और फिर जाकर के मैं सीधा नहाने के लिए जाऊँगी। तो गाइस खाना खा के मैं नहाने चली गई थी और नहा करके मैं गई थी सो, और अभी मैं उठी हूँ, मैंने चाय पी ली है। और आज खाना तो कुछ बनेगा नहीं क्योंकि सब्जी जिनकी रखी हुई थी काफ़ी सारी बची हुई सब्जियाँ देखो, और है ना मेरे सिवा जो गणपति विसर्जन गणपति की जो चौकी रखी है उसका आज जागरण है, तो सब वहाँ जा रहे हैं बच्चे तैयार होकर के, और ये भी नहाने के लिए जा रही है और अपने मंदिर में जो लगा के वो चली जाएगी वहाँ पर। तो गाइस ये वीडियो आज मैं यहीं पर एंड करती हूँ गाइस, तो बाय फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी हो कमेंट करके जरूर बताना।